बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो जो कि मुझे साउथ अफ्रीका से सोलिहा जी ने मेल किया था, तो इसलिए मैं ये अबाय की डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस अबाय को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है इस डिज़ाइन को, तो इसे जो है मैंने यहाँ पे छोटे से फैब्रिक में बनाया है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ बड़े फैब्रिक में सेम अबाया को बना के बताऊँगी जब मुझे सेम कलर का फैब्रिक मिल जाएगा। लेकिन आज जो है मैं आपको इसका डायग्राम अच्छी तरीके से सिखाऊंगी। पहले पेपर पे मैं सिखाऊंगी, उसके बाद में मैं फैब्रिक पे इसकी कटिंग सिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा आसान है इस अबाय को जो है वो कटिंग करना और स्टिचिंग करना। तो सबसे पहले हम जो है इसकी कटिंग अच्छी तरीके से सीख लेंगे, और ये जो अबाया है वो बस एक ही फैब्रिक में बन के रेडी हो जाता है, यानी एक ही में आप कटिंग कर सकते हैं। सेम उसी में आप जो है वो स्लीव्स भी कटिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है स्लीव्स का फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला हुआ रहता है जो कि गैदर्स डालने के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ छोड़ना पड़ता है। तो इस अबाया को आप जो है बहुत ज़्यादा चौड़ाई में भी बना सकते हैं, और इसे अगर आप सैटन के फैब्रिक में बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको मेजरमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मली जिसे हम अबाया कटिंग करते हैं उसी तरीके से इसमें कटिंग की जाती है। बस इसके अंदर आपको जो है वो कमर तक की लंबाई के हिसाब से जो है स्लीव्स लेनी पड़ती है, बाकी नीचे का जो हिस्सा रहता है बिल्कुल सीधा रहता है, एकदम स्ट्रेट आपको रखना है यहाँ पर। तो मैं आपको पहले पेपर पर बता दूँगी तो आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर स्लीव्स में हम कफ बनाएंगे, कफ भी जो है आपको बहुत हार्ड वाला नहीं बनाना है, बिल्कुल सिंपल यहाँ पे स्ट्रिप लगानी है, और यहाँ पे नेक जो है फ्रंट और बैक दोनों इसमें रहता है, और इसमें भी अगर आप चाहें तो स्ट्रेट बैक वाला हिस्सा रख सकते हैं, और चाहे तो आप साइड में शोल्डर में जिप भी रख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं बैक में जो है डिज़ाइन आपको सेम मिलेगी इस अबाया में, और ये क्रॉस यहाँ पर सेम फैब्रिक जो होता है इसी कटिंग के साथ ही ये डिज़ाइन आपको मिल जाती है। तो इसके अंदर बस अलग से आपको स्लीव्स ही लगानी पड़ती हैं, और स्लीव्स का फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। तो इस अबाया को बनाने के लिए आपको जो है वो 60 विथ का फैब्रिक कम से कम होना चाहिए, और वो 3 मीटर होना चाहिए। तो 3 मीटर में अगर आपका 60 विथ का फैब्रिक है, पन्ने का फैब्रिक है, तो आप उसके अंदर आराम से बना सकते हैं। तो समझ लीजिए कि ये आपका फैब्रिक है जिसे आपने फोर फोल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर से आपको जो है वो 10 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है, उसके बाद में आपको ये लेंथ ले लेनी है, यानी आपको अपने अबाया की टोटल लेंथ यहाँ पर लेनी है, 53, 54, 55 जो भी है उसके अंदर आपको 1 या 2 इंच ऐड करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे शोल्डर लेना है, और जितना शोल्डर रहेगा सेम उतना ही आपको यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है, और यहाँ पे आपको नेक ड्रॉ करना है फ्रंट और बैक दोनों, और इसी के साथ में आपको शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करना है, और आपको यहाँ पर जो है आर्म होल की गोलाई देनी है चेस्ट की चौड़ाई के हिसाब से, और यहाँ पर आपको जो है अपना कमर की यहाँ पर गोलाई लेना है, यानी कमर का जितना भी हिस्सा रहेगा उसका 1/4 पार्ट आपको लेना है, और साथ ही में आपको जो है 1-1 इंच ऐड भी करते चले जाना है। तो यहाँ पे हमने कमर तक का निशान लगा दिया जैसे आप नॉर्मली कुर्ती कटिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। उसके बाद में आपको हिप का निशान लगाना है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि हिप की जो लंबाई रहेगी वो आपको यहाँ पर बढ़ानी होगी। तो पहले हम नॉर्मल इस तरीके से निशान लगा देते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर हिप का जो साइज़ है वो नहीं लेना है, बल्कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको नीचे के हिस्से को क्या करना है। उसके बाद में यहाँ पे जैसे आपने ड्राइंग देखी है कि नॉर्मल कुर्ती की जैसे कटिंग होती है, मैंने पहले भी अबाया की कटिंग बताया उसी तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसमें चेंजेस आपको देखो क्या करना है। आपको यहाँ शोल्डर से डायरेक्ट कमर तक आना है, यानी बिल्कुल सीधा यहाँ पर बिल्कुल कमर तक, आपको कमर की लाइन तक सीधा आना है। तो आपको यहाँ पे आर्म होल की गोलाई नहीं लेनी है, कमर तक आपको आपकी जो आर्म होल की गोलाई रहेगी वो हो जाएगी, और ये नीचे आपको 9 इंच प्लस करना है हिप के बाद से, यानी हिप आपका जितना है 22 इंच पे नहीं आना है, बल्कि और उसमें 9 इंच हम ऐड करके नीचे आएंगे, और जितना नीचे आएंगे उसके बाद में उसकी चौड़ाई भी हम 5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा क्या चेंजेस मैंने किया है, हिप मैंने 9 इंच नीचे लेकर आए, इसके बाद में 5 इंच हम एक्स्ट्रा बाहर की तरफ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें स्लीव्स के लिए डायरेक्ट हम फैब्रिक में से ही निकालेंगे, बिल्कुल सीधा हमें रखना है फैब्रिक को, यहीं से हमारी स्लीव्स की पूरी लंबाई रहेगी, यानी कि आपको गले के पास से पूरी आपकी जो स्लीव्स की लेंथ रहेगी आपको यहाँ पे 30 तक लेना है, और 30 में आपको जो है 1 इंच या फिर 2 इंच की एक्स्ट्रा पट्टी जो है वो ऐड करेंगे स्ट्रिप के तौर पर। इसके बाद में हमें स्लीव्स की लंबाई यहाँ से क्रॉस करना है और यहाँ पे मिला देना है, यानी हमारी स्लीव्स की जो लंबाई है वो कमर से स्टार्ट होगी,
शोल्डर और कमर के बीच वाला हिस्सा हमारे स्लीव्स का रहेगा, और ये जो हमने हिप वाला हिस्सा नीचे की तरफ 5 इंच एक्स्ट्रा निकाला वहाँ से हम क्रॉस करके स्लीव्स में मिलाएंगे। बस यहाँ पे इसकी कटिंग जो है ऐसी ही रहती है, यानी इसका जो शेप रहेगा वो एक्स्ट्रा जो कि आपने देखा ये ऐसा रहेगा, और सामने की तरफ यहाँ पर गैदर्स रहेंगे, और बिल्कुल उसके सामने हमें जो है स्ट्रिप लगानी है या फिर आप कफ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये हिस्सा इस तरीके से हो जाएगा स्लीव्स का, और ऊपर की तरफ हम 10 इंच तक एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमें उस फैब्रिक से गैदर्स बनाने हैं जो वो गैदर्स हमारे यहाँ पे नीचे की तरफ यानी हमारी कमर तक आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, और इसकी टोटल लंबाई आपको ले लेनी है, यानी आपके अबाये की जितनी भी लंबाई है वो आपको बिल्कुल सीधी रखनी है। तो यहाँ पे जो है आपने देख लिया मैंने किस तरीके से आपको समझाया है। तो सबसे पहले अगर आप इस ड्राइंग को समझ जाएंगे तो आपको फैब्रिक पे कटिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे नेक जो है हम फ्रंट और बैक दोनों कट कर रहे हैं, और इसमें जो है शोल्डर इस तरह क्रॉस में होता है हाफ इंच राउंड करके, और ये हिस्सा आपका 15 इंच तक रहता है, यानी शोल्डर से आपकी कमर तक की जो लेंथ होती है यहीं तक हमारी स्लीव्स अटैच होती है इसके अंदर। और यहाँ पे जो क्रॉस वाला हिस्सा है ये कुछ इस तरीके से बटरफ्लाई अबाये की तरह दिखाई देता है, बाकी आपको लेंथ पूरी रखनी है और नीचे आपको हल्का सा घुमाव दे देना है 2 इंच के करीब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो स्लीव्स है वो आपके नेक से लेके पूरी आपकी जो स्लीव्स की लंबाई रहेगी वो आपको नाप लेना है। अगर आपका जो फैब्रिक है कम है तो सामने की तरफ आपको जॉइंट लगाना होगा, और यहाँ पर आपको स्लीव्स को खासकर ध्यान में रखना है तो आपका जो अबाया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और कंफर्टेबल बनके रेडी होगा। और कटिंग करना देखिए आपको कुछ इस तरीके से है, पहले आपको स्लीव्स को इसके अंदर से अलग कर देना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर की तरफ रखना है, और यहाँ पे उसके बाद में क्रॉस हम कटिंग करेंगे और बिल्कुल सीधी कटिंग रहेगी, और ये हिस्सा एक्स्ट्रा जो मैंने रखा था पेपर में उसके बाद में हम नेक की कटिंग करेंगे। तो देखिए आप इसकी जो कटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मैं आपको मेजर टेप एक बार बता देती हूँ कि ये लंबाई आपको कैसे लेनी है। आपको आपके जो है गले से लेके आपकी कलाई तक का नाप लेना है, वो 30 या 32 तक आता है, तो जैसी आपकी हाइट है उस हिसाब से आएगा। तो उसके अंदर आपको 1 इंच या 2 इंच की पट्टी आगे की तरफ लगा देना है, या कफ आपको जितना चौड़ा बनाना है उस हिसाब से आपको कम कर देना है स्लीव्स को, तो उतनी लंबाई आनी चाहिए। उसके बाद में आपको टोटल लेंथ लेनी है आपके अबाया की, जो कि यहाँ पर 53-54 हो सकती है। तो जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी आपको उसके अंदर 1 इंच या 2 इंच ऐड कर देना है नीचे फोल्डिंग के लिए, और ये जो चौड़ाई आपकी रहेगी वो हिप की चौड़ाई के हिसाब से एक्स्ट्रा आपको 5 इंच तक लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसके अंदर लेना है। तो यहाँ पर जो है हमने एक फैब्रिक लिया है आपको समझाने के लिए कि अगर आपके पास कम विड्थ का फैब्रिक है तो आपको किस तरीके से अबाये की कटिंग करनी है। तो मैं यहाँ आपको फैब्रिक का विड्थ बता देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको जो है वो 4 मीटर फैब्रिक लेना है, जैसे कि कम विड्थ वाला फैब्रिक जो है वो आसानी से आपको मिल जाता है बटर क्राफ्ट वगैरह जो भी है, तो इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादातर 41 से 43 तक रहती है। तो देखिए यहाँ पर इसकी विड्थ है 41 इंचज़। तो अगर आपको ऐसा फैब्रिक मिलता है तो आपको कम से कम जो है वो 4 मीटर लेना होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा आपको आगे की तरफ जॉइंट लगाना है। तो ये लंबाई जो आपकी है स्लीव्स तक, यानी ये देखिए आपको गले पीछे गले से यहाँ आपकी कलाई तक की लंबाई लेनी है, इतनी आपकी जो विड है वो फोर फोल्ड करने के बाद में आनी चाहिए। इतनी अगर नहीं आ रही है तो आपका अबाया इसमें नहीं बनेगा। अगर आपको बनाना है तो आपको सामने की तरफ से जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मेजर किया, उसके बाद में मेजर टेप को मैंने यहाँ पर डबल किया है, तो ये कम पड़ रहा है, तो ये इसमें इस फैब्रिक में जो है वो नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और ये जो ऊपर का हिस्सा है वो एक्स्ट्रा आपको 10 इंच लेना है यहाँ पे गैदर्स डालने के लिए। तो जब आप फैब्रिक को फोल्ड करेंगे तो आपको 10 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ छोड़ देना है। देखिए आप यहाँ पर 7 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 10 अगर लेंगे तो आपका गैदर्स जो है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो फैब्रिक को मैंने पहले डबल फोल्ड किया है, उसके बाद में फोर फोल्ड किया है। देखिए इस तरीके से लंबाई में हमने इसे फोल्ड किया है। इतना करने के बाद में आपको अपने अबाये की लंबाई के हिसाब से फैब्रिक को छोड़ना है, और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो हम कट करके अलग कर देंगे। अब हमें जो जॉइंट आगे की तरफ लगाना है, यानी हमारी जो स्लीव्स की लंबाई कम पड़ रही है, क्योंकि कम पने का फैब्रिक अगर आप लेंगे तो आपको इस तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे की तरफ से बचेगा उस फैब्रिक को दोबारा से फोल्ड फोल्ड करना है, और इसके सामने यहाँ पर अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद में आपकी ये जो चौड़ाई रहेगी शोल्डर वाली स्लीव्स तक वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसमें मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगा के इसकी कटिंग कर सकते हैं।
कम विड्थ वाले फैब्रिक में कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैंने अलग से फैब्रिक लिया है और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपको कितने मटेरियल की यहाँ पे ज़रूरत है, कौन सा फैब्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास जो है वो ज़्यादा विड्थ का फैब्रिक है 60 या 65, तो उस हिसाब से आपको जो है फैब्रिक को इस तरह रखना है। तो जो पन्ने वाला साइड होएगा वहीं से आपको फोल्ड करना है। देखिए यहाँ पर आपको इस तरह कपड़े को रखना है। कपड़े को खोलने के बाद में हम सबसे पहले उसे डबल करेंगे और फिर दोबारा से इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने की वजह से हमारी स्लीव्स में बिल्कुल जोड़ने लगेगा और स्लीव्स का हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड किया है फैब्रिक को इस तरीके से, और यहाँ पे जो मैंने आपको मेजरमेंट सिखाया था पेपर पे, बिल्कुल उसी तरीके से हम जो है इस फैब्रिक में कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने ऊपर छोड़ना है स्लीव्स के लिए वो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है पहले से ही, तो आपको 10 इंच ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ना है। उसके बाद में आपको मेजरमेंट के हिसाब से अपने अबाया की लेंथ और सारा मेजरमेंट जो है वो निशान लगा लेना है, और जितना लंबा रखना है अबाया उस हिसाब से आपको यहाँ पे निशान लगा के उसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे आपको जो है स्लीव्स का खासकर ध्यान रखना है। तो अब क्योंकि आप जो है यहाँ पर ज़्यादा विड्थ का फैब्रिक ले रहे हैं तो इसमें आपकी जो है आस्तीन की लंबाई बिल्कुल सही बैठेगी, और यहाँ पे आपको शोल्डर जो है मार्क कर लेना है। आर्म होल की लंबाई यहाँ पे हम मार्क करेंगे, यानी जितना आपका शोल्डर होगा उतना ही आर्म होल भी होगा। तो मैंने 9 इंच रखा है बड़े के अबाये के हिसाब से, और उसके बाद में इस लाइन को हम सीधा करेंगे और चेस्ट का 4 पार्ट करके हम उसके अंदर 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे सिलाई के लिए। फिर नीचे की तरफ हम 7 इंच डाउन करेंगे, कमर का निशान लगाएंगे, और कमर की गोलाई के हिसाब से निशान लगाने के बाद में यहाँ से हम इसे जो है वो जॉइंट कर देंगे। तो ये हिस्सा हमारा कमर का निशान हो गया। उसके नीचे हमें जो है 22 इंच पे निशान लगाना है, जो कि हमारी हिप का साइज़ होता है। हिप की लंबाई के हिसाब से हमने निशान लगाना है, और चौड़ाई आपको जो है चेस्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है नीचे की तरफ। उसके बाद में यहाँ पर हमें जो है एक्स्ट्रा 9 इंच नीचे आना होगा, क्योंकि यहीं से हम हमारे अबाये का शेप देंगे। तो हिप जितना भी आपका जो 22 इंच ऊपर से आ रहा है शोल्डर से नीचे तक, वहाँ से आपको 9 इंच एक्स्ट्रा रखना है, और फिर यहाँ पे आपको मार्क कर देना है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे आपको कमर से हिप के हिसाब से निशान नहीं लगाना है, बल्कि हिप के नीचे आके 9 इंच तक आपको निशान लगाना है, और चौड़ाई में भी आपको 5 इंच एक्स्ट्रा जो है वो बाहर की तरफ निकालना है। उसके बाद में आपको जॉइंट करना है। तो जितना आपका यहाँ पे हिप का साइज़ होगा 5 इंच एक्स्ट्रा जॉइंट करने के बाद में, उतना ही आपको नीचे घेरा भी देना है। तो इस तरीके से जो है आपका अबाया जो है वो मार्क होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्रॉस में निशान लगाना है। तो आपको स्लीव्स के लिए अब जो है कमर के पास से सीधा ऊपर की तरफ आपको मार्क करना है, यानी यहाँ पे शोल्डर से कमर तक बिल्कुल सीधा रखना है। इसके अंदर आर्म होल की गोलाई बिल्कुल भी नहीं देते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो है वो मेजरमेंट का निशान लगाया है। देखिए मैंने यहाँ पे कमर की तरफ सीधा रखा है, यहीं से आपको थोड़ा सा क्रॉस करना है, ये आपकी स्लीव्स यहीं से निकल जाएगी सेम फैब्रिक में से। और उसके बाद में यहाँ पे आपको इस फैब्रिक को बिल्कुल सीधा करके कटिंग करना है, यानी ये हिस्सा आपका स्लीव्स में चला जाएगा पूरा ऊपर का हिस्सा। उसके बाद में जो हमने हिप का निशान लगाया था वहाँ से हमें स्लीव्स का जो हमने क्रॉस निशान लगाया वहाँ तक इसे जॉइंट करना है। देखिए यहाँ पे इसे आपको इस तरह जॉइंट कर देना है, और नीचे का हिस्सा आपको बिल्कुल सीधा ही रखना है। बस इतना ही मेजरमेंट है इसके अंदर। उसके बाद में आपको यहाँ पे गले के लिए 3 इंच पे निशान लगाना है, और बैक नेक और फ्रंट नेक आपको जो है वो 2 इंच और 4 इंच के हिसाब से निशान लगाना है, और नेक भी आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा थोड़ा सा कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको शोल्डर 1/2 इंच डाउन करना है, और यहाँ पे इतना करने के बाद में आपको जो है इस तरीके से कटिंग करनी होगी जैसा मैं आपको बता रही हूँ। देखिए बिल्कुल सीधा आना है, क्रॉस में कट करना है, फिर यहाँ पे क्रॉस करना है, बिल्कुल सीधा जाना है, और लास्ट में नीचे के हिस्से पे आपको हल्का सा शेप देना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए कटिंग की है जैसे मैंने आपको मेजरमेंट के हिसाब से बताया था। एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह गैदर्स में चला जाएगा, और यहाँ से हम जॉइंट कर देंगे, और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है आपका जो कि कफ में यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है नीचे की तरफ हल्का सा राउंड शेप देना है। तो यहाँ पे हमने जो नेक कट किया है फ्रंट और बैक, उसके लिए ये जो साइड से फैब्रिक निकला है इसी में से हम क्रॉस पट्टी कट करेंगे, और इस पट्टी को हम नेक में यूज़ करेंगे। तो 2 पट्टी मैंने कट की है, इसे बाद में हम आपस में जॉइंट करेंगे और डबल फोल्ड करके हम नेक में यहाँ पे अटैच करेंगे। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप YouTube पे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरी वीडियोस को आप Facebook पे देख रहे हैं तो आप मेरे जो Facebook पेज है उसको ज़रूर फॉलो करिए।
देखिए इस तरीके से हमें अटैच करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है आधा इंच आपका यहाँ पे जॉइंट में चला जाएगा और यहाँ पर भी हाफ इंच हमारा पीछे की तरफ जॉइंट में जाएगा। तो उस हिसाब से आपको फैब्रिक को एक्स्ट्रा एक इंच तक रखना है। सामने भी हम जो है वो गैदर्स डालेंगे और यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा कपड़ा साइड से हमारा बचा था निकला था उसके अंदर से हम कफ की जो है वो कटिंग करेंगे। हम यहाँ पे जो है बस दो स्ट्रिप चौड़ी सी कट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दो इंच चौड़ी स्ट्रिप कट करनी है और गोलाई आपको अपनी कलाई के हिसाब से ही रखनी है। और यहाँ पे दो पीस को इस तरह कट करके डबल फोल्ड करना है और सामने स्लीव्स की तरफ आपको गैदर्स डाल के लगा देना है, जो मैं आपको स्टिचिंग के वक्त इंशाल्लाह बता दूँगी। तो सारी कटिंग हमारी अबाया की हो गई है। बड़े फैब्रिक में भी आपको सेम इसी तरीके से कट करना है। एक ही फैब्रिक में पूरा अबाया स्लीव्स के साथ आप कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कम फैब्रिक है तो आप या तो जॉइंट कर ले या फिर स्लीव्स आप अलग फैब्रिक से बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जो पेपर पे कटिंग की है सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे फैब्रिक पर भी उसकी कटिंग आपको समझाई है। तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ गया होगा। और ये स्लीव्स का हिस्सा ज़्यादा रखने की वजह यही है कि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गैदर्स डालनी है। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स में देखिए गैदर्स को डाल दिया है इस तरीके से। आप चाहें तो छोटी छोटी प्लेट्स भी बना सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप फैब्रिक छोड़ेंगे यहाँ पे स्लीव्स के लिए उतनी ज़्यादा गैदर्स आपकी बनेंगी। उसके बाद सामने की तरफ से भी आपको गैदर्स डालनी है और यहाँ पे स्ट्रिप को लगाना है। ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं, स्लीव्स को जॉइंट करने के बाद भी आप कफ को लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए दोनों तरफ गैदर्स को बना दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ स्ट्रिप को किस तरह जॉइंट करना है। तो जो स्ट्रिप हमने कट की थी उसे हम नीचे रखेंगे और गैदर्स को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और एक सिलाई से हम इसे अटैच करेंगे। और सेम स्लीव्स में अगर आपको जो है कफ बनाना है थोड़ा सा लंबा, तो आप जो है छोटी स्लीव्स करके इस कफ को बड़ा कर सकते हैं। देखिए इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे फोल्ड करना है और जो हमने गैदर्स डाली है उस सिलाई को अंदर की तरफ छुपाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे एक स्लीव्स को मैंने रेडी किया है देखिए इस तरीके से। तो आपको बड़े स्लीव्स में भी इसी तरह करना है। तो सेम इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी हम रेडी करेंगे और इसके अंदर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों स्लीव्स को इस तरीके से रेडी कर दिया है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप चाहें तो बाद में भी कफ वाला हिस्सा बना सकते हैं, पहले इसे आप जॉइंट भी कर सकते हैं जैसा आपको ईजी लगे। उसके बाद में इस अबाया को हम यहाँ शोल्डर से जॉइंट करेंगे। इसे हमने पलट दिया है और रॉन्ग साइड से हम यहाँ पर शोल्डर को दोनों तरफ से जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा दिया है। अब इसे हम सीधा करेंगे और इसके अंदर हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो किस तरह अटैच करना है वो मैं आपको बताऊंगी। इसे पहले सीधा रखेंगे और ये जो हमने गैदर्स डाली है ऊपर की तरफ इसे हम शोल्डर की तरफ रखेंगे यहाँ पर और इसे एडजस्ट करेंगे जितनी हमने कटिंग की है। उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा जो है एक एक इंच तक साइड में छोड़ देना है। तो दोनों तरफ से हम एक एक इंच छोड़ेंगे क्योंकि साइड में हम यहाँ पे फैब्रिक छोड़ने की वजह से साइड में हमारा जॉइंट में चला जाएगा। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। तो इस हिस्से पे हम जॉइंट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको जॉइंट करना है जिसकी वजह से थोड़ा सा फैब्रिक अंदर की तरफ चला जाएगा। तो इस हिस्से को आपको जॉइंट करना है। तो स्लीव्स सबसे पहले हम जॉइंट करेंगे, बाद में साइड का हिस्सा इसमें जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर भी हम मार्क कर देंगे, एक इंच हमें एक्स्ट्रा छोड़ देना है। उसके बाद में स्लीव्स को यहाँ पे जॉइंट करना है। जॉइंट होने के बाद में आपकी स्लीव जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो यहाँ पे मैं आपको जॉइंट करके बता रही हूँ। मैंने छोटे से फैब्रिक में बनाया है, लेकिन आप बड़े फैब्रिक में बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। और सैटन का फैब्रिक अगर आप लेते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा बनता है उसके अंदर, लेकिन हर किसी को सैटन का फैब्रिक नहीं पसंद आता है। तो आप अगर जो है सस्ते में बनाना चाहते हैं तो आप बटर क्रैप का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स को जॉइंट किया है। सेम उसी तरीके से दोनों स्लीव्स को हमें जॉइंट कर लेना है। अब यहाँ साइड वाले हिस्से को हम देखिए इस तरीके से जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर इसे जो मैंने फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा था एक इंच, वो हम यहाँ पे पिन लगा के पहले जो है जॉइंट कर देंगे, बाद में हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इसे पकड़ते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे।
अगर आप जो है वो 1 इंच इसमें नहीं छोड़ेंगे सिलाई के लिए, तो आप जब यहाँ पे स्लीव्स में इसे जॉइंट करेंगे तो आपका जो अबाया है वो खींच जाएगा और बिल्कुल भी जो है फिनिशिंग नहीं आएगी इसके अंदर। तो ये देखिए मैंने इसे जॉइंट किया है, अब इसे हम इस तरह पलट देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो उसके लिए आपको अपनी कलाई का नाप लेना होगा, क्योंकि ये जो हिस्सा रहेगा जहाँ पे हमने कफ बनाया है आपको अपनी कलाई के हिसाब से ही बनाना है, और यहाँ पे आपको शेप देते हुए सिलाई करना है। अगर यहाँ पे आपको कमर का शेप देना है तो आप हल्का सा इसे अंदर की तरफ करके सिलाई कर सकते हैं, बाकी सिलाई इसमें बिल्कुल सीधी रहती है। तो देखिए ये हिस्सा जो रहेगा आपको अपनी कलाई का नाप लेना है यहाँ पर, तो जितनी भी आपकी गोलाई रहेगी उसका हाफ आपको करना है यहाँ पर, जो कि 4.25 इंच या 4 इंच जितना भी जैसे आपकी कलाई उस हिसाब से आपको यहाँ पे रखना है और मार्किंग करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो इसके अंदर हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है, अब यहाँ पे हमें कट लगा देना है जो हिप वाला हमारा हिस्सा था जहाँ से हमने जॉइंट किया था क्रॉस में। अब इतना बनाने के बाद में हमें यहाँ पर नेक को रेडी करना है, तो नेक हम यहाँ पर जो है स्ट्रिप लगा के रेडी करेंगे। ये स्ट्रिप जो हमने कट की थी इसे हम यहाँ पे हाफ फोल्ड करेंगे और इसे इस तरह बाहर की तरफ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। शोल्डर से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा गोल घुमाते हुए लगाएंगे। देखिए इस तरह आपको लगाना है, यहाँ पे आपको पकड़ना है इसे और डबल करते हुए आपको यहाँ पे सिलाई करके लगा देना है। एक्स्ट्रा जो यहाँ पे स्ट्रिप रहेगी इसे बराबर करके रखेंगे और कट कर देंगे और दोबारा से इसे यहाँ से हम जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिप को लगा दिया है, अब इसके बाद स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक और सिलाई हमें लगाना है। तो ये देखिए नेक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब लास्ट में हमें नीचे की सिलाई लगानी है। तो नीचे का हिस्सा यहाँ पे आपको फोल्ड करना है इस तरह, डबल फोल्ड करके हम गोलाई से इसके अंदर सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है बस 2 बार फोल्ड करना है बारीकी से और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। अगर आपने जो है 1 इंच छोड़ा या 2 इंच छोड़ा है तो वो उसके हिसाब से आपको फोल्ड करना है। तो यहाँ पे आपको अबाया का फाइनल लुक दिख रहा है, जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं मैंने छोटे से फैब्रिक में बनाया, लेकिन अगर आप बड़े में बनाएंगे सेम टू सेम ऐसा ही आपका अबाया बन के रेडी होगा। और आपको जो है नीचे से लंबाई बिल्कुल सीधी रखनी है, कफ आपको अपने हिसाब से बनाना है और जितना ज़्यादा आप गैदर्स डालेंगे उतनी ही ज़्यादा स्लीव्स आपकी अच्छी बनेगी। और यहाँ पे बैक साइड में भी सेम यही डिज़ाइन रहती है, कुछ चेंजेस इसमें नहीं आते हैं, बस क्रॉस में आपका जो फैब्रिक है वो आपको हिप से नीचे जाके थोड़ा सा उसके बाद में आपको क्रॉस में निशान लगाना है। तो इस तरीके से आपको इस अबाया को रेडी करना है। तो आप अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा सस्ता वाला ही फैब्रिक लीजिए, उस पर आप बनाइए। अगर आपको इसका मेजरमेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आपका अबाया बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनके रेडी होगा। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, और अगर आप लोग मेरी वीडियो देख के कोई अबाया या हिजाब बनाते हैं तो आप मुझे उसकी जो इमेज है फ़ोटो है इंस्टाग्राम पर ज़रूर सेंड करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखें और इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।